इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि LIC के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 16 मई 2022 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। मेरा नाम है शुभांश चौरसिया, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, LIC का IPO काफ़ी चर्चित IPO रहा है और ये IPO 4 से 9 मई के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। 902 से 949 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 949 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। देखिए, यहाँ पर कई तरह के डिस्काउंट भी मिलते हुए नजर आए थे, लगभग सभी लोगों को यहां पर डिस्काउंट मिला है। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट भी इसका आ चुका है, और अगर आपने अभी भी अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो के फिनटेक की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात करें तो ये IPO कल यानी 17 मई के दिन मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डिस्काउंट या कितना प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया है। अब देखिए, प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन यहां पर प्रीमियम -15 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि आज के सिनेरियो में भी अगर देखा जाए तो ये IPO नेगेटिव लिस्टिंग की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि यहां पर पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। पिछले 2 दिनों से आपने मार्केट भी देखा होगा कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है, हालांकि प्रेशर में तब भी रहा है क्योंकि ऊपरी स्तरों से लगातार मार्केट गिरता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी बनी है और निश्चित रूप से यहां पर कुछ ना कुछ असर जो 40% का वैल्यूएशन सरकार ने कम किया था उसका भी असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहले ये जो IPO है करीब 50 या 60 हज़ार करोड़ के आसपास आने वाला था। सरकार ने करीब इसकी जो हिस्सेदारी जो बेच रहे थे उसको कम किया, उसके बाद सरकार ने करीब 40% का वैल्यूएशन भी कम किया। अगर वैल्यूएशन कम नहीं करते तो इसका जो प्राइस होता वो करीब 1500 रुपये के आसपास होता और तब निश्चित रहता कि IPO डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होता। लेकिन अभी सरकार ने जो 40% का वैल्यूएशन कम किया था उसके कारण इसका जो प्रीमियम है करीब 105 रुपये तक पहुँच गया था, यानी कि यहाँ पर करीब 10 से 15% का प्रीमियम मिलने की बिल्कुल संभावनाएं बन रही थी। लेकिन जो अभी मार्केट में प्रेशर आई है, जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनमें भी करीब 20 से 25% की गिरावट होती हुई नजर आई है, तो यहां पर भी गिरावट होना बिल्कुल निश्चित थी और यहां पर प्रीमियम में भी गिरावट होती हुई नजर आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा अनुमान है और कई एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि ये IPO कल के दिन आपको 1000 रुपये से ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो IPO का प्राइस रखा गया था वो 949 रुपए के आसपास का था और आपको जो अलॉटमेंट मिला है वो 904 रुपये या इससे कम पे ही मिला है, क्योंकि 45 रुपये डिस्काउंट था और 60 रुपये डिस्काउंट था, तो इससे कम पे ही आपको अलॉटमेंट मिला है। तो अगर ये IPO 20-30 रुपये कम पे भी लिस्ट होता है, मान लीजिए 930 रुपये पे भी लिस्ट होता है, तब भी 904 रुपये में आपको मिला है, तब भी आप थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से जो नेगेटिविटी बनी थी थोड़ा बहुत सुधार उसमें आया है और कल के दिन आपको जो है पॉजिटिव लिस्टिंग कम से कम देखने को मिलनी चाहिए। फिर देखिए, कल का दिन ही हमें बताएगा कि क्या इसमें होने वाला है। लेकिन ये IPO लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, सरकारी कंपनी का IPO है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि LIC आपने देखा होगा कि लगातार प्रॉफिटेबल है और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना चाहिए, बड़ा IPO है और निश्चित रूप से आपने इंडिया के सबसे बड़े IPO में पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे नए निवेशक हैं, निश्चित रूप से पैनिक होंगे, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत मुझे लगता है कि है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा लेकिन बाद में आपको जो वो कवर होता हुआ भी नज़र आएगा। पहली बात तो हम यही देख के चलेंगे कि यह IPO पॉजिटिव लिस्टिंग की तरफ ही संकेत दे रहा है और कल 1000 रुपये से ऊपर की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये समझ रहे हैं, ये समझते हैं कि ये जो लिस्टिंग है 1000 रुपये से ऊपर या पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिलेगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी कमेंट में लिखें। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।